जो मैं शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पत्र लेखन। भाई ये जो पत्र लेखन है हमारे एग्जाम का सबसे ज्यादा मार्क गेनिंग होता है ना। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर वो बातें आप लोगों को पता चल गई तो आप लोगों को पत्र लेखन में पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आज वही मैं इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पत्र लेखन आपको किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से आपके मार्क्स आपको मिलेंगे और क्या गलती करने की वजह से आप लोगों के मार्क्स कट जाते हैं, ये आपको आज पता चल जाएगा और आगे कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा आपके मन में। ओके, तो भी पत्र लेखन के दो भेद निम्नलिखित रूप के हैं। तो पत्र के भेद क्या है, एक है औपचारिक पत्र, एक है अनौपचारिक पत्र। बहुत सारे बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र क्या कंफ्यूजन है। तो वो भी कंफ्यूजन चलो आज मैं दूरी कर देती हूँ। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर होता है, ओके, और अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर होता है। तो भी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र रिक्वेस्ट करते हैं ना वो, व्यावसायिक पत्र बिजनेस के रिलेटेड, और कार्यालयीन पत्र, ओके, कार्यालय यानी ऑफिस वगैरह होते हैं वो, तो वो लेटर्स आते हैं औपचारिक में। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत मित्र फ्रेंड्स, रिश्तेदार मीन्स रिलेटिव्स, परिवार मीन्स फैमिली के सदस्यों को लिखे जाने वाले पत्र सम्मिलित जाते हैं। तो अभी जो हमारे नियरर एंड सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलने जाऊं तो जो नियरर डियरर होते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं दोस्त रिलेटिव्स, परिवार के हमारे लोग, चाचा मामा काका काकी जो भी, मामा मामी, तो उन लोगों को हम लोग लेटर लिखते हैं, वो होता है अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र भाई जिन्हें हम लोग पहचानते नहीं है, यानी कोई रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, जैसे कि आपकी टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई पुलिस वाला है, कोई म्युनिसिपल अधिकारी है, ओके, तो ये इन लोगों को हम लोग जो लेटर लिखते हैं उसे कहते हैं औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। ओके, अभी ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया तुम लोग का, है ना। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले दिया है अनौपचारिक पत्र में, जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री यानी बेटा बेटी, मित्र संबंधी को लिखे गए व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, इनमें सूचनाओं के साथ भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है, मीन्स फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। अतः जैसे भावनाएं निजी होती है वैसे ही इन पत्रों की लेखन शैली भी में भी निजता होती है। इनमें संबोधन, अभिवादन, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। अभी अभिवादन करना यानी पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, ये जो होता है वो अभिवादन करते हैं वो। फिर विथ रिस्पेक्ट हम लोग उनको लेटर लिखते हैं, ठीक है, हमारी जो भी फीलिंग्स है वो उन लोगों के साथ में हम लोग शेयर करते हैं विथ रिस्पेक्ट, शिष्टाचार के साथ। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तो कौन से गुण होने चाहिए। अनौपचारिक पत्र स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखा होना चाहिए, बातचीत की शैली में, जैसे आपकी कोई भी बात, आपकी कोई भी फीलिंग आप शेयर कर रहे हो तो आप उसी हिसाब से लिखोगे, है ना। जैसे आप बात करोगे अभी मम्मी के साथ में तो कैसे बात करोगे, तो वैसे ही वो आपको लिखना है लेटर में। ऐसा लगे मानो लेखक पत्र प्राप्तकर्ता के लेखक पत्र प्राप्तकर्ता, तो जिसको वो लेटर मिलेगा से संवाद कर रहा हो, ऐसे के बात, जैसे हम लोग एक्चुअल में ही बात कर रहे हैं ऐसे ही लेटर लिखना है आपको। इनमें सामान्य शिष्टाचार का पालन होना चाहिए, संबोधन और अभिवादन में शिष्टाचार अवश्य झलकना चाहिए। यदि पत्र क्रोध या नाराजगी में लिखा गया हो तो भी नमस्कार और संबोधन लिखते समय संयम से काम लेना चाहिए, बड़ों को लिखते हुए सम्मान और छोटों को लिखते हुए प्रेम झलकना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी हमारे जो नियरर डियरर होते हैं उन लोगों से हम लोग नाराज होते हैं ना, गुस्सा भी होते हैं, तो फिर ऐसा भी होता है ना
तो लेटर लिखते समय तो स्टार्टिंग आप लोगों को उन्हें रिस्पेक्टफुली ही करना है स्टार्ट, नमस्कार वगैरह करके, ठीक है। भले आप फिर बाद में अपनी नाराजगी बताओ, आपने ऐसे किया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, वॉट एवर, ठीक है। लेकिन ये जो है ना रिस्पेक्ट हमें देना ही चाहिए। 3, पत्र में किसी प्रकार के अपशब्द नहीं होने चाहिए, बैड वर्ड्स, ठीक है। तो लेटर लिखते समय कभी भी बैड वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। उसके बाद है 4, पत्र लेखक को विद्वत्ता दिखाने के लिए बड़े बड़े आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अननेसेसरीली बड़े बड़े वर्ड्स वगैरह यूज करके लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। अपना नॉलेज वहीं पे झाड़ना नहीं है, इसका मतलब होता है सिंपली। अभी आगे हम लोग एग्जांपल्स लेने वाले हैं लेटर्स वगैरह, तो टेंशन मत लो तुम लोग, मैं पूरा डिटेल सिखाने वाली हूँ तुम लोगों को, क्योंकि अभी तुम लोग के मन में ना थोड़ी भी शंका ना बचे कि भाई अभी मैं क्या करूँ, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेटर्स भी सब मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन पहले जो उसका फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग है वो समझ लो तुम लोग, और कहाँ कहाँ तुम लोग गलतियां करते हो वो समझ लो, ठीक है। 5, अब नई पद्धति के अनुसार पत्र लेखक से लेकर संबोधन, अभिवादन आदि औपचारिक पत्र की तरह पृष्ठ से बाई ओर लिखा जाना चाहिए। अभी क्या हो गया, कंप्यूटर आने की वजह से ईमेल से तुम लोग कैसे लेटर लिखते हो ना, तो फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग अभी उसी हिसाब से किया गया है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है एड्रेस, डेट वगैरह, अभी डिटेल आएगा आगे, ठीक है। नाउ पत्र लेखन में निम्नलिखित बातें आवश्यक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोगों को लेटर राइटिंग करते समय ध्यान में रखनी है। तो 1, दिनांक, डेट, डेट सबसे पहले लिखना भूलना नहीं है। दिनांक ऊपर बाई ओर लिखे, दिनांक उसी दिन की लिखिए जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, जिस दिन का लेटर है उसी दिन का डेट डालना है आपको। इसमें दिनांक, माह का पूरा नाम और वर्ष लिखिए, दिनांक यानी डेट, माह यानी मंथ, और फिर ईयर ऑफ राइटिंग। जैसे आज क्या डेट है, 2 फरवरी 2023, 2 फरवरी 2023, तो वो डेट आपको लिखना है। 2, पद और पता, दिनांक के नीचे दूसरी पंक्ति में सेवा में लिखे, आगे एग्जांपल्स लेने वाले हम लोग। देन फिर जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पद यानी श्रीमान व्यवस्थापक, लेडीज है तो श्रीमती आएगा, श्रीमती व्यवस्थापिका, ठीक है, दूसरी पंक्ति में लिखे, और तीसरी पंक्ति में उसका पता लिखे, तो जिसे हम लोग लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अभी उदाहरणार्थ सेवा में श्रीमान व्यवस्थापक जी के बाद आएगा क्वामा, देखो अभी क्वामा कहाँ कहाँ पर आ रहा है, सेवा में के बाद क्वामा आया, श्रीमान व्यवस्थापक जी के बाद आया क्वामा, नूतन पुस्तक भंडार क्वामा, सागर दर्शन के बाद क्वामा, बाजार पेट के बाद आया क्वामा, पूना, पिन कोड लिखने के बाद हम लोगों को फुल स्टॉप देना है। अभी देखो हिंदी में हम लोग फुल स्टॉप इस तरह से दंडी देते हैं और मराठी में डॉट देते हैं, बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हिंदी में डॉट दे देते हैं और मराठी में दंडी दे देते हैं, तुम लोग पक्का दिमाग में रख लो ये बात, हिंदी में दंडी दी जाती है और मराठी में फुल स्टॉप यानी डॉट देते हैं, प्लीज ये गलती मत करना तुम लोग, ठीक है। और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक भी क्वामा नहीं दिया तुम लोग ने तो आधे मार्क कट जाएंगे तुम लोगों के, इसके लिए प्रैक्टिस करो लिखने की, ओके।
अभी ये जो हम लोग फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग लिख रहे हैं ना, ये है औपचारिक पत्र का, ठीक है। तो औपचारिक पत्र लिखते समय आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद थ्री, विषय। विषय यानी सब्जेक्ट। तो पते के बाद ठीक नीचे की पंक्ति में विषय हेडिंग देकर उसका विषय लिखे। एक बात आप लोग याद रखना, औपचारिक पत्र लेखन में सब्जेक्ट यानी विषय लिखना कंपलसरी है, और अनौपचारिक पत्र जो है उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी विषय उदाहरण, तो विषय पुस्तकों की मांग हेतु निवेदन पत्र, एक एग्जांपल दिया उन्होंने, ठीक है। फिर संबोधन, हम लोग जिसे लेटर लिख रहे हैं, जिसे पत्र लिखना है उसके लिए शिष्टतापूर्ण संबोधन लिखना चाहिए, जैसे माननीय महोदय, या अगर लेडीज है तो माननीय महोदया के बाद आएगा क्वामा। पांच, विषय की व्याख्या। संबोधन के बाद पत्र के मुख्य भाग अर्थात विषय वस्तु का आरंभ होता है। पत्र को आरंभ, मध्य और अंत इन तीन भागों में बांटे। कभी भी जब हम लोग लेटर राइटिंग करते हैं ना, तो आरंभ यानि स्टार्टिंग, मध्य यानि मिडिल एंड अंत यानि एंड कैसे करना है, ठीक है, उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें, ठीक है। अभी जब एग्जांपल्स लेंगे ना हम लोग तो समझ में आएगा तुम लोग को। छः, प्रेषक के हस्ताक्षर अंत में पत्र की बाई ओर समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ही नीचे लेटर कंप्लीट हो जाने के बाद सिग्नेचर करना है, जो हम लोगों का होगा, जो लेटर लिख रहे हैं उसका साइन होगा। उदाहरणार्थ भवदीय अथवा भवदीया, आपका आज्ञाकारी छात्र अथवा आपकी आज्ञाकारी छात्रा, क्वामा, फिर नीचे सिग्नेचर। रमेश पाटिल अथवा रमा पाटिल, रमेश पाटिल अथवा रमा पाटिलो, ठीक है। उसके बाद दिया है सात, उसके बाद सात, प्रेषक का नाम, पता व ईमेल आईडी, जो लेटर लिख रहा है वो अपना ईमेल आईडी लिखेगा। प्रेषक के हस्ताक्षर के बाद नीचे की पंक्ति में प्रेषक का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखे, यानी जो लेटर लिख रहा है उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, फिर उसका ईमेल आईडी आएगा। पत्र में अपना वास्तविक नाम वो पता कहीं भी न लिखे। अपना जो एक्चुअल नेम एंड एड्रेस होता है ना, जो मैं हमेशा बताती हूँ बच्चों को, वो कभी भी हमें नहीं लिखना चाहिए। एक फेक एड्रेस तुम लोग फिक्स बना के रख दो, कभी भी लेटर राइटिंग आएगा अगर उन लोगों ने एड्रेस नहीं दिया है, नाम मेंशन नहीं किया है, तो अपना ओरिजिनल एड्रेस कभी भी नहीं लिखना होता है, ठीक है। मैं हमेशा बताते रहती हूँ, अभी इन लोगों ने भी लिखा है तो आप लोग समझ लो कि आपको अपना रियल एड्रेस नहीं लिखना है। प्रश्न पत्रिका में जो नाम, पता व ईमेल आईडी दिया गया हो उसे ही लिखे। तो मैंने बोला ना अभी, एक क्वेश्चन जब वो लोग देते हैं तो राम / रमा गुप्ता ऐसे, और फिर एड्रेस देते हैं - निवास whatever, अभी आगे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा तुम लोग को। तो अगर उन लोगों ने वो मेंशन किया है तो वो आप लोगों को वही लिखना है, ठीक है। अगर नाम नहीं दिया हो तो क ख ग लिखे, समझ गए, नाम नहीं दिया है तो क ख ग लिखे। पता ईमेल आईडी काल्पनिक लिखे, इमेजिनरी, कोई भी फेक, मैंने बोला ना अभी, एक फेक पता फेक ईमेल आईडी बना देना है आपको। आठ, पत्र की भाषा, पत्र की भाषा शुद्ध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। प्रवाहमयी यानी बराबर से वो स्टेप बाय स्टेप जानी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज आपकी, लिखने का लैंग्वेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। पत्र में कठिन भाषा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि बहुत हायर लैंग्वेज अगर यूज करोगे तो ही अच्छा लेटर दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एंड सोबर लैंग्वेज में भी हम लोग लेटर लिख सकते हैं। पत्र संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। संक्षिप्त मीन्स शॉर्ट में होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, लेकिन
उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए। औपचारिक पत्र भावुकता रहित होना चाहिए। इसमें भावुकता रहित होना चाहिए इसका मतलब अपने फीलिंग्स जो है ना उसमें आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अरे मुझे तो बहुत रोना ही आ गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, नो। उन लोगों को जो तुम लोग लेटर लिखते हो तो तुम लोगों को सिस्टमेटिकली ही लिखना है, ठीक है। नौ, संबोधन तथा अभिवादन। संबोधन तथा अभिवादन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत पत्र लिखने वाले को सावधानी, कुशलता और सहृदयता का परिचय देना चाहिए। संबोधनों में विशेषण भी महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरणतया कुछ संबोधन तथा अभिवादन नीचे की तालिका में दिए जा रहे हैं। अभी देखो, यहाँ पर जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो हम लोग संबोधन करेंगे, जैसे के संबंध है, रिलेटिव्स है हमारे, तो दादा या पिता, ग्रैंडफादर या फादर, तो संबोधन कैसे करेंगे, श्रद्धेय दादाजी, पूजनीय दादाजी, पूज्य दादाजी, ओके। और एंड अभिवादन उनको कैसे करेंगे, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, चरण वंदना, ठीक है, समझ रहे हैं ना तुम लोग। हाँ, अगर चाचा मामा, मामा चाचा फूफा मौसा है तो आदरणीय मामा जी या फूफा जी, पूज्य मामा जी या फूफा जी, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। माता दादी नानी, पूज्य नानी जी, पूजनीय नानी जी, आदरणीय दादी जी, वॉट एवर। चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सश्रद्ध नमस्कार। बड़ा भाई बहन है तो आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहन जी, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। मित्र है, फ्रेंड है तो मित्रवर, प्रियवर, प्रिय कख ग, स्नेही मित्र अ ब स, स्नेह नमस्कार, मधुर स्मृति, प्रेम स्नेह, ठीक है। आगे एग्जांपल्स देंगे ना तो सब समझ में आएगा तुम लोग को, हंसने की जरूरत नहीं है ज्यादा। छोटा भाई छोटी बहन को प्यारे ऑब्लिक दिया है, प्रिय कख ग, स्नेहमय कख ग, स्नेह नमस्कार, स्नेह प्रेम। पुत्र पुत्री, बेटा बेटी है तो चिरंजीव, प्रिय पुत्र, आयुष्यमती, कख ग, सुखी रहो, सुखी रहो। अभी पुत्र पुत्री को लेटर। अभी कभी ऐसे होता है ना कि घर में किसी को, अब तुम लोग की दादाजी है, उन्हें अपने बेटी को लेटर लिखना है तो हो गई ना पुत्री, या फिर अपने बेटे को लेटर लिखना है तो हो गया ना उनका पुत्र। तो अगर वो आपको कहते हैं कि मुझे लेटर लिख के दो तो तुम्हें लेटर लिखने आना चाहिए, है कि नहीं। तो इसके लिए सारे अभिवादन और संबोधन यहाँ पर दिए गए हैं एज पर योर रिलेशन, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले लेने वाले हैं अनौपचारिक पत्र का एक जो सैंपल है, मैं आपको बताती हूँ। अभी अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या आता है, तो बधाई पत्र आता है, शुभकामना, बधाई पत्र यानी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र यानी इन्विटेशन देने के लिए लेटर लिखते हैं, संवेदना पत्र या फिर कुछ अपनी फीलिंग्स बताने के लिए जो लेटर लिखते हैं वो, ठीक है। तो एक, विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो स्कूल में फर्स्ट रैंक आने पर, उत्तीर्ण होना यानी पास होना, ठीक है, तो अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी सीखा है, दिनांक लिखा जाएगा 27 अप्रैल 2023। अब हमारा डेट जो है, आपका डेट है वो लिखना है आपको, ठीक है। प्रिय अजय, नाम नहीं मेंशन किया है इन्होंने यहाँ पे, तो हम हमारी मर्जी से लिख सकते हैं। तो प्रिय अजय के बाद आएगा क्वामा, मधुर स्मृति, जो पीछे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से संबोधन किया जाता है अनौपचारिक पत्र लेखन में, तो वही अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, मधुर स्मृति यानी अच्छी यादें, ओके। बहुत बहुत बधाई हो, मुझे अभी अभी तुम्हारे मित्र नीरज का टेलीफोन संदेश मिला। अभी पता कैसे चला तुम्हें कि वो सक्सेस हुआ है, पास हुआ है करके,
तो नीरज ने आपको बताया फोन से। पता चला कि तुमने इस वर्ष 10वीं कक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट स्कूल में तुम फर्स्ट आए हो 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में। अगले वर्ष तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा होनी है। आशा है उसमें भी तुम अपने माता पिता का नाम उज्जवल करोगे। ठीक है, तो है ना, तुम ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, स्थान प्राप्त किया है उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ऐसे भी तुम लोग लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत बहुत बधाई, फिर भी एक बार तुम लोग रिपीट करोगे तो भी चलेगा। अजय के बाद देखो यहाँ पर कौन सा है ये चिन्ह, अभी चिन्हों का जिक्र ही हो गया है। तो ये देखो, ये जो चिन्ह है मैं आपको बता रही थी वो है विस्मय सूचक चिन्ह। तो इसी तरह से जो फुल स्टॉप होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं, ये है अल्प विराम, ये है अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, डैश जो है वो विस्मय सूचक चिन्ह, फिर इकहरा उद्धरण चिन्ह सिंगल अपोस्ट्रोफी क्वामा, दोहरा उद्धरण चिन्ह डबल अपोस्ट्रोफी क्वामा, उसके बाद है विवरण चिन्ह, और ये है कोष्टक, एंड दिस इज लाघव चिन्ह। तो अभी देखो भाई, चिन्ह के बारे में जानकारी आई गई थी तो मैंने आपको सारे चिन्ह एक बार फिर से रिवाइज करा दिए हैं। ओके, तो अभी अजय, मुझे इस समाचार से बहुत प्रसन्नता हुई है, ये न्यूज पता चला है मुझे बहुत खुशी हुई है, मन में इतनी खुशी हुई कि सारे जरूरी काम छोड़कर तुम्हें बधाई पत्र लिख रहा हूँ। लड़की है तो लिखेगी, लिख रही हूँ। मेरी ओर से हार्दिक बधाई, ईश्वर करे तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। ओके, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो, एक मुहावरा है वो, तो उसमें डे बाय डे तुम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करना, ये मतलब होता है उसका। मम्मी पापा भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी मम्मी पापा की भी ब्लेसिंग्स दो उसे। देन पुनः बधाई के साथ तुम्हारा मित्र दिनकर नाम, तुम्हारा मित्र दिनकर नाम अजय। एक्चुअली इन लोगों का लगता है मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर दिनकर आएगा। दिनकर पता अशोक नगर वीपी रोड नासिक 2। ठीक है, फिर ईमेल आईडी आएगा यहाँ पे, और एंड में ईमेल आईडी में भी यहाँ पर दिनकर ही आएगा। ठीक है, दिनकर 123@gmail.com। ओके, तो इन लोग का कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, कभी भी एंड में नाम जो पत्र लिख रहा है उसका आता है, उसका पता आता है। ठीक है, तो ये आप लोग जरा देख लेना, करेक्ट कर लेना इसको। तो इस तरह से ये एक नमूना पत्र मैंने अभी आपको दिखा दिया है, क्योंकि अभी हम लोग वही फ्लो में चल रहे थे। तो इसके आगे भी मैं दूसरे भी बहुत सारे आपको लेटर्स देने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है आप पहले अच्छे से समझ लो, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक अनौपचारिक, थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी अनौपचारिक पत्र जो है हम लोग अभी दे रही हूँ मैं आप लोगों को। ओके, और लेटर्स भी, और बहुत सारे लेटर्स हम लोग करने वाले हैं इसके आगे भी, तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, और बिल्कुल भी मिस मत करना एक भी मेरा लेक्चर, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देती हूँ आपको, और एग्जाम में वो 99.9% आएंगे ही। ठीक है, फिर मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे याद करते हैं कि मैम हम कितने लकी थे कि आपके चैनल में हम लोग आ गए। तो अभी आप लोग भी आ गए हैं, तो आप लोग भी लकी हो ही। ठीक है, तो चलो देन अगले वीडियो में मिलते हैं। एक लाइक तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा। ठीक है, चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।